चलिए स्टार्ट करते हैं ना आज के वीडियो से। और आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। ये कह रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी एम इज द मीडियन इन ट्राइंगल एबीसी एम इज द मीडियन ऑन द साइड बीसी ऑन द साइड डीसी देन प्रूव दैट आपको प्रूफ करना है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। ठीक है, ये वाला आपका क्वेश्चन है। देखिए वैसे तो क्या है कि ये अपने आप में एक थ्योरम है जिसका नाम है अपोलोनियस थ्योरम। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह थोड़ी कम है ना, शॉर्ट में लिख देता हूँ। अपोलोनियस थ्योरम है ना, अपोलोनियस थ्योरम। व्हाट इज अपोलोनियस थ्योरम? बेसिकली एक रिलेशनशिप होती है बिटवीन द साइड्स एंड मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल का एक मीडियन और साइड्स के बीच का ट्राइंगल। और ये मैं अपकमिंग वीडियोस में कवर करने भी वाला हूँ, पर ये यहाँ पे एज अ क्वेश्चन की फॉर्म में देने का क्या कारण है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से इजिली प्रूव हो जाता है ना। और मैं पाइथागोरस थ्योरम आपको पढ़ा चुका हूँ, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन में करवा रहा हूँ आज आपको। तो अगर ये आपका ए बी सी एक ट्राइंगल है और एम आपको ए एम बेसिकली मीडियन है, तो एम आपका ये मिड पॉइंट हो गया, ये वाला है आपका एम, तो ये हो गई आपकी ए एम। तो ये ए एम हुआ। अब ए एम अगर ये हुआ तो इसका मतलब है कि यार ये वाली जो साइड है ये और ये इक्वल हो जाएगी। सही बात है। देखिए यहाँ पे बेसिकली वी जस्ट नीड टू डू अ स्मॉल कंस्ट्रक्शन। और वो कंस्ट्रक्शन क्या है? वो कंस्ट्रक्शन इतना सा है कि आपको यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इसके ऊपर, दिस इज द परपेंडिकुलर, दैट्स इट, आपको काम हो जाएगा। ये वाला पॉइंट पी है, तो आपको इतना सा करना है कि ड्रॉ AP which is perpendicular to BC। अब आप स्टार्ट हो जाइए, आपको जो चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे AB square चाहिए। देखिए AB square आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल में दिखेगा बहुत इजीली, AB square। और वो AB square क्या होगा? वो आपका यहाँ से जाएगा AP square plus BP square। अब आप एक चीज फील कीजिए कि BP की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप देखो मुझे सारी जरूरत है AM या BM की। अगर आप यहाँ देखोगे या तो मुझे AM चाहिए या BM चाहिए प्रूफ करने में, तो मैं इस BP को यहाँ पे लिख सकता हूँ बेसिकली बी एम माइनस पी एम। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो दैट इज ए पी स्क्वायर प्लस ये हो गया बी एम माइनस पी एम का होल स्क्वायर। अब आप इसको ओपन कर दीजिए, तो यहाँ से ए बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए पी स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर और प्लस पी एम स्क्वायर और माइनस ट्वाइस ऑफ बी एम डॉट पी एम। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ए बी स्क्वायर तो आ गया, अब सिर्फ ए सी स्क्वायर चाहिए और सिर्फ दोनों को ऐड करना है ना। तो सिमिलरली आई एम गोइंग टू फाइंड ए सी स्क्वायर। ये मेरी इक्वेशन नंबर वन हो गई थोड़ी देर के लिए। अब मुझे चाहिए ए सी स्क्वायर। देखिए ए सी स्क्वायर मुझे इस राइट एंगल ट्राइंगल से दिख रहा है ना, ये जो मैंने अब शेड किया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से अगर ए सी स्क्वायर के बारे में मैं जाऊँगा तो ए सी स्क्वायर क्या होगा? अगेन ही होगा ए पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर। देखिए फिर मेरे पास पी सी किसी काम का नहीं। आप देख लो मुझे बी एम चाहिए या फिर ए एम चाहिए, तो मैं पी सी को ब्रेक करता हूँ है ना, ए एम प्लस बी एम स्क्वायर। सही बात है, ए एम प्लस बी एम स्क्वायर, वेट वेट वेट, हाँ सही है, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। तो मुझे ए एम या बी एम चाहिए। तो अच्छा आप एक चीज और देख सकते हैं कि ट्रायंगल में एम अगर मिड पॉइंट है तो बी एम इज इक्वल टू एम सी है, बिकॉज ए एम आपको मीडियन गिवन है। ए एम अगर आपको मीडियन गिवन है तो बी एम आपका मिड पॉइंट है। तो अगर ए बी एम और एम सी बराबर है तो मैं पी एम को ब्रेक कर सकता हूँ। कैसे? मैं पी एम को लिख सकता हूँ, पी एम नहीं सॉरी पी सी, पी सी पी सी पी सी को ब्रेक कर सकता हूँ। पी सी को कैसे ब्रेक कर सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ पी एम प्लस एम सी। सही बात है। तो ये जो यहाँ पे पी सी स्क्वायर, इस पी सी स्क्वायर को अपन चेंज करते हैं, इसको अपन कर देते हैं पी एम प्लस एम सी का होल स्क्वायर। तो ये ए सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हो जाएगा ए पी स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ पी एम डॉट एम सी। ये आपकी इक्वेशन नंबर टू हो गई। और अब आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ इक्वेशन नंबर वन और टू को सिंपली सिंपली ऐड कर दीजिए। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। याद रखिएगा मैं इक्वेशन नंबर वन और टू को ऐड कर रहा हूँ। देखो ऊपर भी ये रहा ए पी स्क्वायर और यहाँ पे भी ए पी स्क्वायर है, तो ट्वाइस ऑफ ई तो हो गया ए पी स्क्वायर। ठीक है, अगला है यहाँ पे देखो ये बी एम स्क्वायर है। ठीक है, ये बी एम स्क्वायर हो गया है ना, और इधर एम सी स्क्वायर है। तो आपको दिख रहा है कि बी एम और एम सी बराबर है, बी एम और एम सी बराबर है। मैं साइड में लिख चुका हूँ, अगर बी एम एम सी बराबर है तो मैं इसको एम सी को भी बी एम कर देता हूँ, तो ये टू टाइम्स ऑफ बी एम स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो मैं मार्क कर रहा हूँ,
अब चाहो तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ कि एक तो मैंने ये एपी और एपी ले लिया, फिर मैंने यहाँ बीएम और एमसी ले लिया, एमसी को भी बीएम लिख दिया। नाउ पीएम और पीएम भी सेम है, ऐड करेंगे तो ये भी ट्वाइस ऑफ हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ पीएम का होल स्क्वायर। ठीक है, पीएम का स्क्वायर यहाँ तक ठीक है। और फाइनली आप देखिए बाकी की दोनों चीज दे वुड बी कैंसल आउट विद ईच अदर। क्यों कैंसल हो जाएगी भाई? क्योंकि देखो टू टू तो सेम है, पीएम पीएम सेम है, और एम एक तरफ तो बी एम है और एक तरफ एम सी है, और आपको पता है बी एम एम सी बराबर है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ आ गया होगा। नाउ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, आपको ए एम स्क्वायर और बी एम स्क्वायर चाहिए। बी एम स्क्वायर तो आ गया, और आप देखिए अगर आप इतने छोटे से ट्राइंगल में पाइथागोरस ट्राई करेंगे ना, तो मेरे हिसाब से आपका काम हो जाना है। अगर आप पाइथागोरस सिर्फ इस वाले ट्राइंगल में ट्राई करेंगे ना, सिर्फ इस वाले में, तो आप देखेंगे कि यार ये ए पी स्क्वायर और ये पी एम स्क्वायर, इन दोनों का सम क्या है? इन दोनों का सम है बी एम स्क्वायर, और इन दोनों का सम है ए एम स्क्वायर। तो ये यहाँ पे मेरा प्रूव हो गया। तो ये आपकी अपने आप में एक अपोलोनियस थ्योरम है। स्टेटमेंट वगैरह मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे स्टेटमेंट कहता है कि अपोलोनियस थ्योरम क्या होती है, व्हेन एवर यू हैव सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स इज इक्वल टू ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द मीडियन एंड सम ऑफ द हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। थोड़ा टफ है इसका स्टेटमेंट, बट आप तो ऐसे याद रखिए कि जो दो साइड है, मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ आप लोगों के लिए कि जो दो साइड है वो वाली कौन सी, एक है ये ए बी स्क्वायर, एक है ये ए सी स्क्वायर, है ना। ये दोनों साइड हो गई, और इन दोनों के स्क्वायर का सम हो गया मीडियन, ये डबल वाली मीडियन, और थर्ड साइड के हाफ का स्क्वायर। थर्ड साइड के आप बीएम भी लिख सकते हो और एमसी भी लिख सकते हो। ठीक है, पॉज करके नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा, ये कह रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल, सॉरी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी 90 है भाई, एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंड डी इज द मिड पॉइंट। यस डी इज द मिड पॉइंट। डी आपका क्या है? मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है किसका? मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए बी एंड यस ए बी एंड आगे दे रखा है डी ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी। डी ई ए बी के परपेंडिकुलर है। आगे बोला है ए ई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड वी जस्ट नीड टू फाइंड बी सी। आपको सिर्फ और सिर्फ बी सी चाहिए, है ना, इतना सा आपको काम करना है। चलिए नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी 90 है, एंगल सी 90 है, तो ये आपका हुआ, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल सी 90 है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। नाउ ये वाला एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसका मिड पॉइंट दे रखा है डी। आपको ये प्रॉपर्टी मैं पहले बता चुका हूँ कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट डी, वो ए बी सी तीनों से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो जरूरत पड़ी तो मैं इसको भी हल्का सा ज्वाइन करूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि ये और ये जो तीनों हैं ये आपके बिल्कुल क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि डी ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ये हाइपोटेनियस ए बी पे पॉइंट डी से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये रहा, पॉइंट डी से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ना, दिस इज द परपेंडिकुलर, और ये यहाँ ई पे कट करेगा। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया यहाँ पे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, देन वी जस्ट नीड टू फाइंड बी सी। मुझे बी सी निकालना है। सबसे पहले मुझे इसने ए ई दे रखा है, विच इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये 4 हो गया। देखिए इसको करने के वैसे तो कई रास्ते हैं, कई रास्ते हैं, पर अगर हम सबसे पहले देखें तो आप बी ई ज्वाइन करो। मैं चाहता हूँ यार आप ये चीजें देखना स्टार्ट करो। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे बी ई ज्वाइन करवाया, ये रहा, अगर मैंने यहाँ पे बी ई ज्वाइन करवाया तो आप ध्यान से देखिए कि ट्राइंगल ए ई बी, इसमें कलर ब्लैक ही रहता है। ओके, बी अगर मैंने ज्वाइन करवाया तो ट्राइंगल ए ई बी कैसा हो गया? ट्राइंगल ए ई बी आपका मेरे हिसाब से एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्यों है वो देखना, ट्राइंगल ए ई बी इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि ई डी दो तीन दो जगह से काम करता है। ई डी एक तो आपका ई डी है ना, ED एक तो आपका क्या है, देखो परपेंडिकुलर है, एक तो आपका ED परपेंडिकुलर है, और साथ साथ मीडियन की तरह भी काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो AD बराबर DB है। आप चाहें तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी कर सकते हैं। ED कॉमन आ रहा है, AD बराबर DB और एंगल 90-90 के बीच का। तो जैसे ही आपने देखा कि ये दो चीजों से आ रहा है, आपका ट्रायंगल AED आइसोसेलेस हो गया। जैसे ही आइसोसेलेस हुआ, AE बराबर ED हो गया, और ये भी कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत ही इजीली आ गया होगा। जैसे ये 4 सेंटीमीटर हुआ, और ये वाला एंगल कितने डिग्री का हुआ, 30 डिग्री का हुआ, और ये 4 सेंटीमीटर हुआ। ठीक
है, और ये जो नीचे वाला इतना सा एंगल है, देखो पूरा ट्राइंगल एसी भी जो है वो रेक्टेंगल ट्राइंगल है, एंगल ए 30 है तो एंगल बी आपका 60 होगा, उस हिसाब से एंगल ई बी सी जो होगा वो 30 हो जाएगा, तो क्योंकि दोनों का सम 60 चाहिए ना आपको, 30 प्लस 30, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। एंड फाइनली आपके पास इन राइट ट्राइंगल ई सी बी की मैं बात करता हूँ, यहाँ मुझे हल्की फुल्की ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ जाएगी, अगर ट्रिग्नोमेट्री किसी को बिल्कुल भी नहीं आती तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत जल्दी उसके ऊपर एक क्लास लेने वाला हूँ आप लोगों की, जिसमें मैं आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री उतनी बताऊंगा जितनी आप लोगों को आनी चाहिए। ये हो गया आपका, ये ई है, ये सी है और ये बी है, ये वाला आपका एंगल 30 डिग्री है तो बाई डिफॉल्ट ये 60 हो जाएगा, पर मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका 4 सेंटीमीटर है और मुझे बीसी की जरूरत है, तो यहाँ पर मुझे कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस 30 डिग्री, देखो कॉस थीटा होता है, चलो मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ आपको कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा आपका होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा की जगह एंगल आएगा विच इज 30 डिग्री। बेस क्या होगा, देखो अगर ये 30 डिग्री है तो इसके अपोजिट ये तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो बेस तो यही होगा ना आपका, तो बेस आपका कितना हो गया बीसी हो गया, अपॉन हाइपोटेनियस आपका 4 है। कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, आई थिंक यही होती है, यस √3/2, तो कॉस 30 की वैल्यू तो √3/2 होती है, हाँ, और ये हो गई √3/2, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया और बीसी आपका आ गया, बीसी आपका यहाँ से कितना आ गया, वो आ गया 2√3, तो यहाँ से आपका बीसी आ गया 2√3 विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये तो आपका फर्स्ट मेथड हुआ, सेकेंड थोड़ा लेंदी मेथड है पर मैं फिर भी करवा देता हूँ बिकॉज विदाउट ट्रिग्नोमेट्री है, तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, पॉज करके मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, थोड़ा मैंने इरेज किया और ये सब चीज़ों की अब मुझे जरूरत नहीं है, मैं आपको प्योर एल्जेब्रा के वैसे लेके जाता हूँ। एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मैं आपको पहले प्रीवियसली बता चुका हूँ किसी ना किसी क्वेश्चन के अंदर, विच इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जिसको मैं आगे वापस एक्सटेंसिवली पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि बहुत यूजफुल है, पर देखिए यहाँ पे वो काम आ गई। आप फील कीजिए कि इन ट्रायंगल एसीबी, इन ट्रायंगल एसीबी बीसी इज एंगल बाइसेक्टर, बीसी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, आपको ये चीज दिख गई होगी कि बीसी क्या कर रहा है, यहाँ पे भी 30 और यहाँ पे भी 30 है, देयरफॉर बाय एबी थ्योरम, एबी थ्योरम मतलब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कि आपकी जो एबी और बीसी का रेशियो है ना, वो जो साइड्स का रेशियो है ना, वो उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में बीई, अरे बीसी मैंने गलत लिखा है, बीई सॉरी बीई, देख लीजिए आप चाहे तो मैं मार्क करता हूँ, है ना, ये वाली साइन है ना बी, ये वाली, तो आपको ये चीज नजर आ रही होगी कि ये जो बीई है आपकी, ये बीई जो है एंगल बाइसेक्टर की तरह काम कर रही है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर की तरह काम कर रही है तो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम दी एंगल बाइसेक्टर डिवाइड दी अपोजिट साइड एई और एसी इन द रेशियो साइड कंटेनिंग दैट एंगल, उन दोनों साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं काम करता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए ईसी को स्मॉल ए मान लेता हूँ और सीबी को स्मॉल बी मान लेता हूँ, तो अब ये हो गया एबी, एबी तो मैं एबी ही लिखता हूँ अपॉन बीसी, बीसी को मैंने स्मॉल बी माना है, एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी, ए कितना है 4 है और ये कितना है ए है, सो दैट इज इम्प्लाइजिंग कि एबी की वैल्यू कितनी आ गई 4b अपॉन ए आ गई। आइए पाइथागोरस थ्योरम स्टार्ट करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि 4 + a का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कंप्लीट ए बी दैट इज 4b अपॉन ए का होल स्क्वायर। नाउ ये कितना हो गया 16 + a² + 8a + b² दैट इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 16b² / a² हो गया। यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें आगे क्या कर सकते हैं, कुछ और सॉल्व हो सकता है क्या, ये एक और कोई, एक तो ये इक्वेशन बनी, हाँ एक और इक्वेशन बनेगी, वो बनेगी इस वाले ट्राइंगल से, देखो मैं इसको मार्क करता हूँ, ये भी एक छोटा राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, इस राइट एंगल ट्राइंगल से बनेगी और वो राइट एंगल ट्राइंगल से क्या बनेगी वो मैं यहाँ लिखता हूँ, वो बनेगा a² + b² दैट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर यानी कि 16, ये इसका अपन यूज करते हैं, अगर मैं इसका यूज करूँ यहाँ पे तो ये a² + b² 16 16 16 32 + 8a = 16b² / a² क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a² 8 कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, 8 4 32 और ये a हो गया, यहाँ पे 2b² हो गया, ठीक है, ये हो गया a² 4 + a = 2 times b² की जगह 16 - a² हो गया। एंड फाइनली अगर कॉमन वॉमन लेंगे तो ये a² हो जाएगा 6 + a = 32, ये इतना आ गया। यहाँ से इट्स अ क्यूबिक इक्वेशन, आपको पता है क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक रूट तो मन से पहला सोचना पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप एक वैल्यू सोच के देखिए तो बहुत इजीली 1, देखिए a नेगेटिव तो हो नहीं सकता बिकॉज इट्स अ साइड,
वन टू थ्री डाल के देखेंगे तो ए इज इक्वल टू टू बहुत इजीली सेटिस्फाई करेगा। आप चेक कर लो, 2 का स्क्वायर 4 और 6 प्लस 2 8, 8 4 जो 32, ए आपका 2 आ गया। ए आप यहाँ पे 2 रख दीजिए तो आपके पास बी आ जाएगा, और बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 यानी कि 12, और बी स्क्वायर बराबर 12 का मतलब है बी बराबर कितना हो गया 2√3। ये सेकेंड मेथड है, थोड़ा लेंदी मेथड है, मैं इसे अवॉइड करने के लिए बोलूंगा, पर फिर भी मैं चाहता हूँ, मैंने ये 2 रीजन से बताया। पहला ये रीजन है कि मैं चाहता हूँ आप मल्टीपल तरीके से किसी क्वेश्चन को सोचें, ठीक है, और दूसरा कारण ये है कि मैं ये ट्रिग्नोमेट्री को यूज नहीं कर रहा था, इसलिए भी मैंने आपको बता दिया। चलिए पॉज करके नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये रहा फॉर ट्राइंगल एबीसी। फॉर ट्राइंगल एबीसी ओ इज एन इन अ पॉइंट, ओ इज एन इन अ पॉइंट एंड डी एफ आर ऑन BC, DEF are on BC, CA and AB respectively, such that OD is perpendicular to BC, comma OE is perpendicular to CA and OF is perpendicular to AB. ठीक है, prove that आपको क्या prove करना है? AF square plus BD square प्लस सी ई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। चलिए ये है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस एक अप्रोच आपको देखनी है इसमें कि क्या है ना, प्योरली पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, प्योरली बहुत ईजी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डायग्राम अच्छा सा बनाइए और मार्क करते जाइए, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो एक आईना पॉइंट है ना, और आपको बोला है डी ई एफ आर ऑन बी सी, तो BC पर एक पॉइंट D है, सच दैट ये सब परपेंडिकुलर्स है, तो यहाँ से 3 परपेंडिकुलर, एक इधर और एक इधर और एक इधर। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो ये यहाँ पर आ गया OD और यहाँ पर OE परपेंडिकुलर है और यहाँ पर OF परपेंडिकुलर है, और आपको ये प्रूफ करना है। आइए, अगर आपको AF स्क्वायर चाहिए, बस इसमें फील्ड एक ही पॉइंट है शुरू का जो आपको ध्यान रखना है, कि अगर आपको AF स्क्वायर चाहिए तो इसके लिए तो पाइथागोरस थ्योरम चाहिए, और पाइथागोरस थ्योरम कब आएगी, जब आपका ट्रायंगल पूरा होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से आपके लिए एक ट्रायंगल क्रिएट करता हूँ ना, अब वो ट्रायंगल क्या है देखिएगा जरा, नहीं इसकी जरूरत नहीं। अब वो ट्रायंगल क्या है, वो ट्रायंगल है आपका कि जब आप इसको थोड़ा सा ज्वाइन कर दें, डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, इसको ज्वाइन कर दें और आप इसको ज्वाइन कर दें। अब आप देखिए आपका जो ट्रायंगल है वो कौन कौन सा है, पहला आपका ओ एफ इस ट्रायंगल में आ रहा है, एक ही ओ एफ नहीं सॉरी ए एफ, एक ही क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो आप ले रहे हो लेते चलिए, ए एफ आ गया, अगला है बी डी, बी डी आपका इसमें आ गया, और अगला है सी ई, सी आपका इसमें आ गया, खेल खत्म हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कि आपको चाहिए ए एफ स्क्वायर, तो एक काम करते हैं अपन जोड़ते हैं ना, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर एड करते जाते हैं। भाई ए एफ स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सबसे पहले ए एफ स्क्वायर है ए ओ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर क्या है, बी डी स्क्वायर होगा आपका बी ओ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस सी ई, सी क्या होगा आपका, वो होगा ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। अब आपको जो चाहिए उस पर आ जाओ, आपको चाहिए एक तो बी एफ स्क्वायर, तो बी एफ कहाँ है भाई, बी एफ मतलब एक ये चाहिए, और दूसरी कौन सी है डी सी, डी सी मतलब आपको एक ये चाहिए, और अगला कौन सा है, अगला ए आपको मतलब ये चाहिए, तो ये तीन आपको साइड चाहिए। अगर ये तीन आपको साइड चाहिए तो आप फील करो कि बी एफ कैसे आएगा, बी एफ आएगा इस ट्राइंगल में, बी एफ स्क्वायर कैसे आएगा, वो आएगा ओबी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, तो देखो ये रहा आपका ओबी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, देखिए आपको ओबी स्क्वायर, तो बस इसको केवल और केवल रीअरेंज करना है कुछ भी नहीं। अगला डी सी स्क्वायर कैसे आएगा, वो आएगा ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, तो केवल और केवल इसे रीअरेंज करिए और कुछ भी नहीं, ओबी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, और लास्ट है आपका ये वाला ए ओ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, और ये खेल खत्म हो गया, जो आपको चाहिए था वो आ गया आपका बी एफ स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये क्या है, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं हो, बहुत तरीके से सॉल्व करना हो, ठीक है, नोट करिए, पॉज करके मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा कि इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ये आपके पास 90 डिग्री है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी बराबर है, आगे आपको बोला है डी इज अ पॉइंट, डी इज अ पॉइंट, पॉइंट है ऑन बी सी, डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी, then you need to prove that, आपको क्या प्रूव करना है, you need to prove that BD square plus, sorry, BD square plus CD square that is equals to 2 times of AD square,
छोटा सा दिखने वाला क्वेश्चन है, और एक एंगल आपको 90 दे रखा है, दैट्स इट। मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात की आपसे, आइए ड्रॉ करते हैं, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ से। ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी, और ये रहा आपका सी। आपको दे रखा है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ओ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है, तो ये भी 45 हो जाएगा और ये भी 45। देखो आरएमओ के अंदर कई क्वेश्चंस आ चुके हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल के कंस्ट्रक्शन का यूज करते हुए, तो दिखता तो है कि बहुत आसान सा फिगर है, पर क्वेश्चन पर टफ टफ बन सकते हैं इसमें ना। आपको बोला डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी, कहीं ना कहीं बी सी पर एक पॉइंट डी है, सच दैट बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये डी यहाँ मान लेता हूँ ना, कि बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, और ये जो है इस ए डी स्क्वायर के बराबर है, तो ये ए डी स्क्वायर के लिए थोड़ा सा ना इसको ज्वाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको, ओके थोड़ा सा इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये हो गया। आइए क्या करें, देखो आपको स्क्वायर चाहिए तो फंडा इतना सा है कि स्क्वायर चाहिए तो क्या चाहिएगा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना ही पड़ेगा, बस आपका माइंड तुरंत दौड़ जाना चाहिए कि मुझे स्क्वायर चाहिए मतलब परपेंडिकुलर है, तो ये वाला पॉइंट आप पी ले लो। अब आप देख लो आपको क्या क्या चाहिए, एक आपको चाहिए बी डी स्क्वायर, ओके इस परपेंडिकुलर को ले तो लिया, पर एक बार बताओ बी डी तो किसमें आ रहा है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में नहीं आ रहा, तो एक काम करो है ना, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि बी डी स्क्वायर चाहिए मुझे, बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर में अपन इसको ब्रेक कर देते हैं, दैट इज बी पी प्लस पी डी का होल स्क्वायर, ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, बी पी प्लस पी डी का होल स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ये क्या होगा, बी पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ बी पी डॉट पी डी, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, ओके। आगे देखिए बी पी स्क्वायर क्या है, देखिए बी पी स्क्वायर तो चलो आ गया, अब बी पी स्क्वायर से हम कुछ और लेके आ सकते हैं क्या, बी पी स्क्वायर से अपन क्या लेके आ सकते हैं, बी पी स्क्वायर इस राइट एंगल ट्राइंगल में है लेके तो आ सकते हैं, चलो एक काम करते हैं, एक बार सी डी स्क्वायर भी नोट कर लेते हैं, सी डी स्क्वायर क्या होगा, देखिए सी डी क्या होगा, सी डी होगा सी पी माइनस सी डी का होल स्क्वायर, यानी कि वो क्या होगा, वो होगा सी पी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर माइनस टू टाइम्स सी पी डॉट सी डी, इतना हो गया। अब एक चीज मैं आपको यही लिख दूं भाई कि सी पी और बी पी या जो भी मैं लिख रहा हूँ ये इक्वल है, क्योंकि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस है तो परपेंडिकुलर विल ऑल्सो डिवाइड इंटू टू इक्वल पार्ट, साइड को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, जैसे ही आप इसको यहाँ पे ऐड करेंगे ना तो आपकी इक्वेशन थोड़ी थोड़ी फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे आपको चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ से बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ऐड करते हैं भाई, देखो एक तो आया ये बी पी स्क्वायर, ओके बी पी स्क्वायर आ गया एक तो ये, चलो ठीक है बी पी स्क्वायर लिखे है ना, एक आया सी पी स्क्वायर, अब देखो बी पी और सी पी सेम है, तो बी पी स्क्वायर सी पी स्क्वायर को मैं टू टाइम्स बी पी स्क्वायर कर देता हूँ, सही है ना, टू टाइम्स बी पी स्क्वायर बिल्कुल सही है ना। अगला देखिए, अगला है आपके पास पी डी स्क्वायर, और अगला है ये सी डी, सी डी स्क्वायर तो आना नहीं चाहिए, वेट वेट मैंने गड़बड़ कर दिया, सी डी नहीं आना चाहिए, सी डी को अपने को लिखना है सी पी माइनस डी पी, तो डी पी लिखना है ना, डी पी तो इसको लिखना है सी डी माइनस डी पी, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है ना, डी पी या पी डी जो भी लिखना है, पी डी और ये डी पी या पी डी जो भी लिखना है, ठीक है। आइए मैं ये एक बार फिर बता रहा हूँ कि डी पी और सी पी सेम है, ये मैंने यहाँ लिख रखा है, आगे चलते हैं नेक्स्ट है पी डी स्क्वायर, पी डी स्क्वायर ये भी हो गया टू टाइम्स ऑफ पी डी स्क्वायर हो गया, वेरी गुड, टू टाइम्स ऑफ पी डी स्क्वायर बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे है देखिए ये माइनस और प्लस है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कटता हुआ आपको दिख रहा होगा, क्यों, देखो ये डी पी आ गया है ना, ये मैं मार्क करवाता हूँ, ये डी पी और ये पी डी सेम सेम हो गया, पहला तो ये सेम सेम हो गया, दूसरा पी सी और बी पी, देखो ये पी सी है, सी पी और बी पी दोनों सेम है, तो ये पीछे का कैंसिल हो गया है ना, तो ये दोनों आपके यहाँ पे कैंसिल हो गया, और आपका क्वेश्चन बेहद ईजी हो गया, दैट इज बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टू टाइम्स बी पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर आ गया। अब आप फील करना बी पी और पी डी में क्या है, ये 45 है ना, तो ये भी 45 होगा, क्योंकि ये भी एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो बीपी और एपी बराबर होगा, तो बीपी और एपी बराबर होगा, तो मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, बीपी की जगह लिख देता हूँ दैट इज 2 टाइम्स ऑफ, बीपी की जगह क्या लिख देता हूँ, एपी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर, और एपी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एडी स्क्वायर, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से आपका खेल खत्म हो गया, ट्वाइस ऑफ एडी स्क्वायर, यही आपको प्रूफ करना था, तो कितना फास्ट आप प्रूफ कर सकते हैं, कितने कम स्टेप में आप प्रूफ कर सकते हैं, इसी की इंपॉर्टेंस है। नोट करिए अगला क्वेश्चन लेके आता हूँ, वो एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एक आइडियल क्वेश्चन है एग्जाम में आने के लिए है ना, एग्जाम में आने के लिए आइडियल क्वेश्चन, ये कह रहा है गिवन दैट राइट ट्राइंगल एबीसी, गिवन दैट राइट ट्राइंगल एबीसी हैज अ पेरीमीटर, हैज अ पेरीमीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर, ऑफ 30 सेंटीमीटर एंड
एन एरिया ऑफ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, तीनों साइड्स की आपको लेंथ निकालनी है। एक अच्छा सवाल है, एक छोटा सवाल है, पर लॉजिकल सवाल है। इसमें बहुत बच्चे अटक सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि एक ऐसा सवाल है ज्योमेट्री के साथ एल्जेब्रा का यूज कर, आपकी एल्जेब्रा की नॉलेज यहाँ पे काम आएगी कि आप कितना इजीली क्वेश्चंस को, मतलब इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। एक राइटेंगल ट्रायंगल है एबीसी जिसका पेरीमीटर 30 है। तो अब अपने काम करते हैं यार, इसको मैंने ए नाम दिया और इसको मैंने बी नाम दिया और इसको मैंने सी नाम दिया, ताकि ये आपके पास आ जाए स्मॉल ए, ये आपके पास आ जाए स्मॉल बी। एंड विद द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये हो गया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं इसको सी नहीं दूंगा, मैं वेरिएबल नहीं बढ़ाऊंगा, मैं वेरिएबल कम रखूंगा। तो शुरू में ही सी को गायब कर दो, सी लाओ मत, तीन वेरिएबल की क्यों बनाया इसको, है ना। तो ये ऐसा हो गया। अब आपको दो इक्वेशन दे रखी, एक आपको बोला है एरिया, एरिया मतलब हाफ इंटू ए इंटू बी, आप समझते होंगे, वो आपको 30 दे रखा है, इसका मतलब ए इंटू बी आपको 60 दे रखा है। एक तो आपके पास ये शानदार चीज आ गई, ठीक है। दूसरा, अच्छा डिग्री विग्री नहीं है ना, ये 60 हो गया, ठीक है। दूसरा आपको क्या दे रखा है, दूसरा इसने वो रखा है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या है कि ए प्लस बी प्लस रूट ऑफ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 30। अब यहाँ आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार यहाँ पे एक तो यूज है, देखो यहाँ पे ए प्लस बी का, एक यहाँ पे यूज है ए इंटू बी का, और एक यहाँ पे यूज है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ये सब तो आपस में रिलेट है, ये सब तो आपस में रिलेटेड है। तो आप एक काम करो, यहाँ पे ए प्लस बी तो रहने दो और इसको थोड़ा चेंज करो, इसको लिखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये जीरो मैंने रफ कर दिया, चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो गया आपका। अब एक काम करते हैं ना, हम लोग ए प्लस बी को कुछ अज्यूम करते हैं, जैसे मैंने के अज्यूम कर लिया, तो आपको फील आ जाना चाहिए कि ये के प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2ab, ab 60 पे 2ab 120 हो गया, सिंगल इक्वेशन के में आ गई। तो जैसा मैंने कहा था, ज्योमेट्री के साथ साथ थोड़ा आपको इक्वेशंस का यूज करना है। नाउ के को उधर ले जाओ, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दो, तो रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 30 माइनस के का होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा के स्क्वायर माइनस 120, इधर का रूट गायब, इधर स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 900 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 60k, इतना हो गया, ठीक है 60k हो गया। आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं और आगे चलते हैं। ये 60k हो गया, आप देखिए क्या हो रहा है, ये के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, 60 के नेगेटिव को उधर ले जाते हैं पॉजिटिव हो जाएगा, 120 नेगेटिव को उधर ले जाते हैं पॉजिटिव हो जाएगा, 900 प्लस 120, 60 का डिवाइड मार देते हैं, तो ये 1020 अपॉन 60 हो गया, 0 से 0 कट गया, 6 6 6 7 42, के 7 आ गया, मतलब a प्लस बी 17, सॉरी 17 आ गया। अब देखो a प्लस बी 17 है और a इनटू बी 60 है, आप तो यूं ही a और b की वैल्यू निकाल सकते हो और कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे आर साइड, किसी को भी a किसी को भी b कुछ भी बोल दो। तो आई थिंक 12 और 5 आपको समझ में आ रहा होगा, एक 12 और एक 5 है, 12 और 5 का सम 17 है, प्रोडक्ट 60 होता है। और थर्ड साइड जो आपकी है, जिसको आपने सी बोलना चाह रहे थे, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, वो 13 हो जाएगी। तो ये आपका एक राइटेंगल ट्रायंगल रेडी हो गया। तो ये 2 मार्क्स में आने के लिए एक आइडियल क्वेश्चन है, क्योंकि कहीं भी वो प्रॉब्लम नहीं है कि आप अटक जाओ उस क्वेश्चन में, बस आपकी प्रैक्टिस बहुत सॉलिड होनी चाहिए। चलिए इसको नोट कीजिए, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा, ये कह रहा है आपसे, इन द रेक्टेंगल एबीसीडी, इन द इन द रेक्टेंगल, इन द रेक्टेंगल एबीसीडी, इन द रेक्टेंगल एबीसीडी, सीई इज परपेंडिकुलर टू डीबी, सीई इज परपेंडिकुलर टू डीबी एट ई, ई पे परपेंडिकुलर है। आगे आपको बोला है बीई इज इक्वल टू 1/4 bd, बीई जो है वो 1/4 bd है। एंड साथ ही साथ आपको बोला है कि जो सी ई है, सी ई दैट इज इक्वल टू वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। आपको क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी, सिर्फ और सिर्फ ए सी निकालना है। पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर देखते हैं ये कैसा क्वेश्चन है। ये आपका एक रेक्टेंगल हो गया जिसका नाम है ए बी सी और डी। आपको बोला है बेटा कि सी ई इज परपेंडिकुलर टू डी बी, तो मुझे डी बी सबसे पहले एक डायगोनल ज्वाइन करना पड़ेगा। अब सी ई जो है वो इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये कुछ ऐसा हो गया कि ये 90 डिग्री और ये वाला पॉइंट ई हो गया। बी ई जो है ना दैट इज 1/4 of bd, ये ऐसा बोला है, बी ई जो है ना दैट इज 1/4 of bd बोला है। सी ई आपको 5 दे रखा है, देन यू जस्ट नीड टू फाइंड ए सी, ये आपका 5 हो गया। और फिर आपको क्या चाहिए, ए सी चाहिए। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि इट्स अ रेक्टेंगल, तो ए सी बराबर बी डी होगा, ये तो सबसे आसान चीज है, ए सी बराबर बी डी होगा, है ना।
ये AC बराबर BD होगा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, AC बराबर BD हो गया क्योंकि डायगनल्स आपके इक्वल होते हैं। दूसरी चीज ये कि B बराबर 1/4 AD है, तो लेट मैं काम करता हूँ, BD को मैं स्मॉल a मान लेता हूँ। BD को क्यों, BE को मानता हूँ ना, आसान हो जाएगा। BE को स्मॉल a मान लेता हूँ, BE को इक्वल टू स्मॉल a मान लेता हूँ। तो a बराबर कितना हो गया, 1/4 BD हो गया। यहाँ से BD की वैल्यू कितनी आ गई, 4a आ गई। ठीक है, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा पुट करना स्टार्ट करता हूँ कि यार ये बी को मैंने ए मारा, तो बीडी कितना है पूरा 4 है, तो बचा हुआ कितना हो गया 3 है। तो यानी कि आपका जो बचा हुआ पोर्शन है बीई वो कितना हो गया, वो हो गया 4a-a यानी कि 3 है। अब याद करो यार, मैं आपको मतलब बहुत जबरदस्त पहले ही बता चुका हूँ ये प्रॉपर्टी। एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कुछ एक प्रॉपर्टीज होती है, कुछ एक रिलेशनशिप होती है कि ये अगर आपका ट्राइंगल है और ये अगर आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर पी है और ये पोर्शन एक्स है, ये पोर्शन वाई है, तो पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स वाई। तो अगर मैं वही यहाँ पे लगाऊं तो 5 स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए इंटू थ्री, खेल खत्म हो गया। 25 बराबर कितना हो गया, 3a² और ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 25/3। तो ये तो आई थिंक आपको ए बराबर 5/√3 दे रहा है। ए अगर आपको 5/√3 दे रहा है और आपको निकालना क्या है, आपको तो बीडी निकालना है ना, कंप्लीट बीडी आपको कितना है, 4a है। कंप्लीट बीडी अगर आपका 4a है, बिल्कुल कंप्लीट बीडी अगर आपका 4a है, तो बीडी बराबर कितना है, 4a। और AC या BD जो भी बोलो, बात है कि ये 4 × 5/√3 यानी आपका आंसर आ गया 20/√3। तो देखा, जैसा मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है ना, तो एकदम जबरदस्त आपका काम हो जाना है। और एक और प्रॉपर्टी ये थी कि अगर ये ए है और ये बी है, तो 1/p² दैट इज इक्वल टू 1/a² + 1/b². तो ये प्रॉपर्टीज आप अच्छे से याद रखें, आपका क्वेश्चन बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान करवा देगा। ठीक है, चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए, वैसे तो बहुत इजी है। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है बेटा, 7th क्वेश्चन इस वीडियो का, कि इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, और साथ में आपको कह रहा है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर ये मैं बात करूं D, तो ये AC का मिड पॉइंट है। प्रूफ दैट, आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है AB² + 3 × BC² दैट इज इक्वल्स टू 4 BD² इतना आपको प्रूफ करना है। आइए सॉल्यूशन पे बात करते हैं। एक ही राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ। ये रहा आप लोगों का राइट एंगल ट्राइंगल, इसको थोड़ा सा और कोई बात नहीं, वेट, चलो दोबारा से कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं थोड़ा राइट एंगल जैसे लग गया। हाँ ठीक है, ये हो गया एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, तो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये आपका 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री सी पर है, तो ये वाला पॉइंट सी हो गया, ए हो गया और ये बी हो गया। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, डी जो है AC का मिड पॉइंट हो गया, ये और ये इक्वल हो गए। मुझे इसको इसको ज्वाइन करना चाहिए, मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया, इतना काम मेरा हो गया। आगे क्या कह रहा है, AB² × 3 × BC² अगर मुझे AB² के बारे में बात करनी है, तो देखिए आपको रिलेशनशिप चाहिए AB BC और BD में। AB BC और BD आपको दिख रहा होगा, ए बी आपकी, मैं माफ करता हूँ हल्की सी, ए बी आपकी ये वाली साइड है और बी सी आपकी है ये वाली साइड और बी डी आपकी ये वाली साइड है। इन तीनों में रिलेशनशिप चाहिए, तो बेस्ट है जो नहीं चाहिए वो देखो इक्वल इक्वल पार्ट है, तो दोनों को स्मॉल ए और स्मॉल ए अज्यूम कर लो, आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। अब आप देखो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB² दैट इज इक्वल टू 2 ऑफ A का होल स्क्वायर प्लस BC² यानी कि AB² दैट इज इक्वल टू 4A² + BC² इतना सही है भाई। नेक्स्ट है आपके पास इन ट्राइंगल किसकी बात कर ले अपन, BDC की बात कर लेते हैं। इन ट्राइंगल BDC, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो जाएगा BD² BD² दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A² A² + कितना हो जाएगा BC²। मैं कहता हूँ आप कुछ मत कीजिए, आपको 4 × BD चाहिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 4 × BD² दैट इज इक्वल टू 4A² + 4BC². अब आप ये चीज देख लो कि इक्वेशन 1 और 2 में क्या है, 4A² कॉमन आ रहा है, तो आप क्या करोगे 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB² - 4BD² दैट इज इक्वल टू, देखो 4A² मैं लिख देता हूँ एक बार, 4A² + BC² - 4A² - 4BC² ऐसा हो जाएगा, 4A² से 4A² कट गया और ये हो गया AB² इधर देखो जरा, ये है BC² - 4BC² यानी कि -3BC² बचेगा, उसको उधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा
का 3 BC² हो जाएगा, और जो 4 BD² इधर माइनस किया उसको करेंगे तो 4 का 4 BD² इजी क्वेश्चन है पाइथागोरस के ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, मैं आगे और भी आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी। चलिए, थैंक यू।